Yeah, this for the players out there. Check out this dope shit, man. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को मालूम होगा कुछ दिन पहले ट्रिगर इंसान का एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ था, तुम मेरे टू, और उसी सॉन्ग के दो या तीन दिन पहले हनीपाद जी का सॉन्ग ड्रॉप हुआ था जी म्यूजिक कंपनी पर। तो आप लोग अगर ट्रिगर इंसान को देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि वो अपने लाइव इंसान चैनल पर लाइव भी आते हैं। तो इसी बीच ट्रिगर इंसान अपने सॉन्ग की बात करता है और अपने सॉन्ग को हनीपाद जी के नागन सॉन्ग से कंपेयर करने लगता है। इस पे ट्रिगर इंसान हनीपाद जी के बारे में जो कुछ भी बोलता है उसकी एक छोटी सी क्लिप आप सब लोग भी देख लो। अब सो बेसिकली ये गाना जो है, तुमने अगर एक चीज नोटिस करी होगी, ये गाना रिलीज हुआ था हनी पाजी के गाने के एक दिन बाद। ठीक है, मैं तुमको बस एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। सो ये जो नागण गाना है ये 4.4 मिलियन व्यूज पे है। मैं इसको प्ले नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरे फेवरेट जी म्यूजिक कंपनी का है और जी म्यूजिक कंपनी वाले काफी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, स्पेशल ढूंढ ढूंढ के मेरी वीडियो पे क्लेम मारते हैं। तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये गाना 70 लाख का बना है। ठीक है, 70 लाख का बना है, इसमें 9 दिन में 4.4 मिलियन है, इसकी एड्स भी चल रही है। अपना ऑथेंटिक 6.2 मिलियन है भाई, लेट्स गो। बस और कुछ नहीं बोलना। ट्रिगर इंसान ने अपने सॉन्ग से हनीपाद जी के सॉन्ग को कंपेयर तो कर दिया, लेकिन उसे यह बात भी समझनी चाहिए कि एक आर्टिस्ट और एक कंटेंट क्रिएटर में कितना फर्क होता है। ट्रिगर इंसान जिस चैनल पर वीडियो डालता है वो उसका खुद का चैनल है और उस पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ उसी को देखते हैं। और हनीपाद जी का सॉन्ग जी म्यूजिक कंपनी पर अपलोड हुआ है जो कि हनीपाद जी का खुद का चैनल नहीं है और ना ही जी म्यूजिक कंपनी पर हनीपाद जी की ऑडियंस है। उसके बाद भी 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और अभी तक ट्रेंडिंग पर चल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ट्रिगर का हनीपाद जी के सॉन्ग से कंपेयर करना सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। यहाँ पर आपको यूएस से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।